हाँ दोस्तों, आज सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 151 चैप्टर 11 में दी गई है। चैप्टर 11 में पुलिस को कुछ निवारक शक्तियाँ दी गई हैं। चैप्टर 11 की धाराओं में से एक धारा 151 भी है, जिसमें पुलिस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, धारा 151 में पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है और उसे कैसे शक्ति प्राप्त है? दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, अपराध कहीं अपराध हो ना जाए। जैसे दो किसी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में दो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, गाली गलौज हो जाती है, कहीं बात बढ़ ना जाए, तो वहाँ पे पुलिस उन लोगों को कहीं संज्ञेय अपराध ना हो जाए इससे रोकने के लिए उन दोनों लोगों को थाने में ले जाके बंद कर देती है और उनका 151 में चालान कर देती है। उनका चालान 151 में इसलिए करती है कहीं वो दो लोग आपस में उग्र होकर लड़ ना जाए, कहीं हत्या जैसे अपराध ना हो जाए, इसलिए उन्हें धारा 151 में चालान कर देती है उन लोगों का। दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि कोई आवारा व्यक्ति किसी गांव में या किसी कस्बे में घूम रहा है और उस व्यक्ति से वह संपत्ति को देख रहा है, संपत्ति पर नज़र रख रहा है, तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है कि उस वह व्यक्ति जो आवारा घूम रहा है, संपत्ति पर नज़र रख रहा है, किसी चोरी या लूट जैसे अपराध को ना कर दे। दोस्तों, पुलिस जैसे कहीं पर अपराध नहीं हो रहा है, वहाँ पर पुलिस एक धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जहाँ पर अपराध होने का प्रयास किया जा रहा है या अपराध हो जाएगा, तो वहाँ पर पुलिस 151 के अंतर्गत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, पहले अपराध रोकने का प्रयास करेगी। दोस्तों, धारा 151 में पुलिस को निवारक शक्तियों के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसे पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और उसका चालान कर देती है। धारा 151 के अंतर्गत SDM कोर्ट से जमानत हो जाती है। इसमें पुलिस 24 घंटे से अधिक व्यक्ति को थाने में नहीं रख सकती है। 24 घंटे के अंतर्गत इसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।